नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक बेहतरीन शेयर जो कि आपको एक मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है आने वाले समय में। दोस्तों हम आने वाले समय के मल्टी बैगर स्टॉक्स बताते हैं जो कि आपको आने वाले समय में एक मल्टी बैगर रिटर्न देगा। इसी में हमने कल आपको बताया था IndiaMart.com जो ई कॉमर्स वेबसाइट है वो आने वाले समय में आपको एक बेहतरीन रिटर्न दे सकता है क्योंकि वो डेब्ट फ्री कंपनी और बिजनेस का ग्रोथ काफ़ी है। उसी तरह की कंपनी को लेकर के हम इस वीडियो में आए हैं। तो आपको कुल हम 20 शेयर बताएंगे जो कि मल्टी बैगर रिटर्न आने वाले समय में दे सकता है। उसमें से आपको जो 5 कंपनियां अच्छी कंपनियां वो चुनना है और उसमें इन्वेस्ट करना है जो आपको बेस्ट 5 कंपनीज लगे। और सारी कंपनियां अलग अलग सेक्टर से होगी। तो आपको हमने पीछे 6-7 स्टॉक्स बता दिए हैं, तो आज हम फिर से एक स्टॉक लेकर आए हैं जो कि आपको आने वाले समय में एक मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है। अगर आप 5-10 साल का टाइम होराइजन के लिए इन्वेस्ट करते हैं, मतलब अगर आपका सोच है कि 5-10 साल के लिए इन्वेस्ट करें, तब बीच में जो स्टॉक में गिरावट भी आएगा, तेज़ी भी आएगी, तो हर चीज़ होते हुए स्टॉक आपको मल्टी बैगर रिटर्न देगा। ये कोई रॉकेट नहीं है कि ये सीधा आपने इन्वेस्ट किया और सीधा ऊपर चलते जाएगा। तो शेयर मार्केट में आए हैं तो थोड़ा सा रिसर्च करें, चार्ट को एनालाइज करें, चार्ट को देखें कौन सा स्टॉक का चार्ट कैसा है, कौन सा स्टॉक चार्ट पे काफ़ी बेहतरीन दिख रहा है जो आपको मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है, साथ ही साथ उसके बिजनेस और फंडामेंटल्स को भी देखें। तो चलिए सबसे पहले हम फंडामेंटल्स की बात करेंगे, फिर बिजनेस की बात करेंगे, फिर अंत में हम के लेवल्स और टारगेट को जानेंगे कि किस लेवल्स और टारगेट में आपको इसमें इन्वेस्ट करनी है। तो दोस्तों फंडामेंटल एनालिसिस करिए, आपको जरूरत पड़ता है फंडामेंटल नॉलेज का। और जब लेवल्स और टारगेट की बात करते हैं तो उसके लिए आपको टेक्निकल नॉलेज की जरूरत पड़ता है कि टेक्निकल एनालिसिस से आप जान पाते हैं कि किस लेवल और टारगेट पर आपको एंट्री करना है और एग्जिट करना है। तो सबसे पहले हम फंडामेंटल्स में कंपनी के वैल्यूएशन को जान लेते हैं। तो ये कंपनी है फाइन ऑर्गेनिक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एक मल्टीनेशनल कंपनी है। आपको हम दिखाएंगे कंपनी की वेबसाइट पर कि कंपनी के कई सारे कंट्रीज में सब्सिडी कंपनियां भी है, मतलब कई सारे कंट्री में इसके कारोबार फैले हुए हैं। तो काफ़ी बेहतरीन कंपनी है, लेकिन आप मार्केट कैप देखिएगा तो मात्र अभी एक स्मॉल कैप है, मतलब अभी काफ़ी कंपनी को अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड कर चुका है, अभी और एक से एक्सपेंड करना है, अपने कारोबार को हाई लेवल तक ले जाना है। तो मार्केट कैप देख लीजिए 6900 करोड़, एक मतलब मिड कैप कंपनी है, स्मॉल कैप से मिड कैप कंपनी बनी है। P/44 का है, इंडस्ट्री का देखना 31 के आसपास है, कंपनी का फेस वैल्यू 5 का है और डिविडेंड यील्ड जो है 140% का है। तो डिविडेंड परसेंट 140 का, डिविडेंड यील्ड 0.31 है। तो ये सारी चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं आपको देख लेनी है। 51 रुपीज़ अर्निंग पर शेयर है, EPS है। और कॉर्पोरेट एक्शन पे चलते हैं, तो कॉर्पोरेट एक्शन में यहाँ आकर आप डिविडेंड देख सकते हैं, कंपनी रेगुलर डिविडेंड दे रही है क्योंकि नया लिस्टिंग है कंपनी का। कंपनी जो 2018 में ही लिस्ट हुई है तो ये हर साल डिविडेंड पे कर रही है कंपनी, कोई बोनस कोई स्प्लिट नहीं, फेस वैल्यू 5 के साथ ही कंपनी लिस्ट हुई है। उसके बाद फाइनेंशियल पर चलते हैं, फाइनेंशियल देख लेते हैं। कंपनी का प्रॉफिट जो है देख सकते हैं, इस पैंडमिक में भी प्रॉफिट में कुछ खास गिरावट नहीं है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखिएगा थोड़ी सी गिरावट है, मामूली सी गिरावट है ईयर ऑन ईयर बेसिस में, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस थोड़ी सी गिरावट है। लेकिन अगर आप एनुअल रिजल्ट पर मतलब फाइनेंशियल जो है एनुअल देखेंगे, रिजल्ट देखेंगे कंपनी का, तो देख सकते हैं कंपनी कितनी ग्रोथ में है। देख सकते हैं कंपनी का प्रॉफिट लगातार ग्रो हुई है, रेवेन्यू भी यहाँ देख लीजिए लगातार ग्रो हुई है। तो रेवेन्यू भी प्रॉफिट भी दोनों चीज़ इंक्रीज हुआ है कंपनी का, काफ़ी बेहतरीन साइन है कंपनी का। उसके बाद आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हैं, 75% प्रमोटर्स स्टेक रखता है, जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, जितना प्रमोटर्स रख सकता है उतना स्टेक है इस कंपनी का। प्रमोटर्स का स्टेक जितना अच्छा हो, मतलब 75% तक हो, तो काफ़ी बेहतरीन है क्योंकि प्रमोटर्स खुद उस कंपनी में इंटरेस्टेड है। अब किसी में प्रमोटर्स का एक स्टेक 5% होगा तो निश्चित है कि प्रमोटर्स को उस कंपनी से कोई लेना देना खास नहीं है, वो 5% स्टेक है, मतलब सारा अपना जो होल्डिंग है वो बेच रहा है, तो मतलब कुछ ना कुछ निगेटिव साइन है कंपनी में। लेकिन ये कंपनी में जो 75% स्टेक है, जो मैक्सिमम स्टेक रख सकता है प्रमोटर्स। अब हम आते हैं बैलेंस शीट पर, कंपनी के बैलेंस शीट को देख लेते हैं। कंपनी का बैलेंस शीट भी काफ़ी बेहतरीन है, देखिएगा रिजर्व 615 करोड़, रिजर्व का हमेशा इंक्रीज हुआ है, देखते हैं हर साल रिजर्व जो है कंपनी का इंक्रीज होते गया है। वहीं कंपनी का डेट देखते हैं तो कंपनी का जो डेट है 91 करोड़ है, जो कि डिक्रीज हुआ है पिछले साल से, तो थोड़ा सा कंपनी के ऊपर डेट भी है, इस पर भी आपको ध्यान रखना है। कंपनी के ऊपर कर्ज जो है 91 करोड़ का है, एक मतलब छोटी सी मिड कैप कंपनी है, तो कर्ज को भी ध्यान में रखना है हमेशा के लिए। कैश और बैंक बैलेंस देखिएगा 205 करोड़ है, ये भी लगातार इंक्रीज हुआ है, तो हर चीज़ कंपनी के पास पॉजिटिव है। कंपनी एक बहुत बड़ी MNC कंपनी है, जो कंपनी की वेबसाइट पर जाकर के इसके कारोबार को भी जानेंगे।
उसके बाद कंपनी का जो डिफरेंट डिफरेंट रेशियो जिससे हम एनालाइज करते हैं, तो 54 का अर्निंग पर शेयर है, यहाँ पर देखते हैं अर्निंग पर शेयर लगातार इंक्रीज हुआ है। नीचे आते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी, ये भी काफ़ी इंक्रीज हुआ है, 26.39 हो चुका है रिटर्न ऑन इक्विटी। वहीं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट 30.41 हो चुका है और रिटर्न ऑन एसेट 19.30 हो चुका है, देखते हैं काफ़ी इंक्रीज हुआ है। और करेंट रेशियो थोड़ा सा ये डिसअपॉइंट कर रहा है कि जो करेंट रेशियो है, मतलब करेंट एसेट बटे करेंट लायबिलिटीज, वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। अगर 1:2 के बीच हो तो काफ़ी बेहतरीन होता है, लेकिन ये काफ़ी इंक्रीज हो चुका है, इस बात पे भी आपको ध्यान रखना है। अब हम आ चुके हैं कंपनी के वेबसाइट पर, तो कंपनी के कारोबार को देख लेते हैं। जो फाइन ऑर्गेनिक्स है, इसके सारे प्रोडक्ट्स आप यहाँ पर देखते हैं। अगर आप इसके होम पर जाते हैं, मतलब होम पर क्लिक कीजिएगा, इसके सारे प्रोडक्ट जो है डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में, उसको आप पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप कंपनी के पूरे किस किस कंट्री में कारोबार है वो देख सकते हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए, अर्जेंटीना, बहरीन, ब्राज़ील, चाइना, कंबोडिया, इजिप्ट, यूएसए में भी है, याद रखिएगा यूएसए में भी है, मैक्सिको, ओमान, कतर, सऊदी, बहुत सारे कंट्रीज में, यूएई, वेनेजुएला, आप जितना देखिएगा सारे के सारे लगभग कंट्री जो पॉपुलर है सारे कंट्रीज में कंपनी के कारोबार हैं। कारोबार क्या करती है, तो यहाँ पर देख लीजिए, ओले केमिकल्स डेरिवेटिव्स फॉर डाइवर्स एप्लीकेशन, यहाँ पर देखते हैं प्लास्टिक के लिए, स्पेशलिटी एप्लीकेशन के लिए, फार्मा के लिए, फूड के लिए, रबर के लिए, यहाँ पर देखते हैं पेंट और इंक के लिए, एडिटिव्स बनाता है सारे के सारे इन सारे सेक्टर्स के लिए। तो थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो जाए तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि सारे के सारे जो ये सेक्टर्स है उसके लिए ये तैयार करती है प्रोडक्ट ये कंपनी, तो और कई सारे कंट्रीज में कारोबार फैला हुआ है। तो ये हो गया कंपनी का कारोबार, आपने देख लिया। अब चलते हैं हम कंपनी के लेवल्स और टारगेट, किस लेवल्स और टारगेट पे आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों के लिए जानेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं लॉन्ग टर्म की चार्ट की बात करें तो कंपनी 2018 में ही लिस्ट हुई है और अभी तक देखिएगा 2018 के जुलाई से और अभी अगस्त है 2020, दो साल में ये कंपनी का जो रिटर्न है 181% है। और ये कंपनी का जो रिटर्न है 181%, ये ना तो डायरेक्ट अप ट्रेंड है ना तो डायरेक्ट डाउन ट्रेंड है, कंपनी कांस्टेंट रूप से देख अप ट्रेंड में है, ये नहीं एक जो है सीढ़ी नुमा बनाया और ऊपर चला गया, ये कांस्टेंट रूप से देख सकते हैं एकदम सीढ़ी नुमा, एक मतलब एक रफ्तार से कंपनी का शेयर का प्राइस जो ऊपर जा रहा है, तो काफ़ी बेहतरीन कंपनी है। और कंपनी का डिविडेंड यील्ड देखिएगा 0.48% है, तो डिविडेंड अभी कंपनी नई है, तो जैसे जैसे कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो आपके लिए डिविडेंड भी कंपनी लेकर आएगी, तो काफ़ी बेहतरीन कंपनी है, चार्ट पे भी देखिएगा काफ़ी बेहतरीन है। अब हम चलते हैं इसके लेवल्स और टारगेट की बात करेंगे। तो दोस्तों ये देख सकते हैं ये हमारा है जीरोधा का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, अगर अभी तक आपने जीरोधा में अकाउंट ओपन नहीं किया तो जीरोधा में अकाउंट ओपन करें, देख सकते हैं कितना बेहतरीन चार्ट है, आप बेहतरीन चार्ट देखना चाहते हैं कोई भी दूसरा पेड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं, अगर आप जीरोधा में अकाउंट ओपन करते काफ़ी बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में देखिए लिंक से अकाउंट ओपन कीजिए। यहाँ पर देख लीजिए कंपनी जो ब्रेकआउट दिया है यहाँ से किस प्राइस से दिया है 2100 से, अभी रिसेंट में जो है ये ब्रेकआउट दिया है यहाँ से 2100 पर, ये इसका पहले रेसिस्टेंस था अब ये बन गया सपोर्ट, तो पहला जो सपोर्ट होगा अगर आपको करेक्शन देखने मिलता है या जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा करेक्शन इसमें हो रहा है तो ये कंपनी आ सकती है कहाँ से 2100 के प्राइस तक, अगर ये सपोर्ट को भी कभी ये ब्रेक करता है तो आपको मिलेगा ये शेयर 1800 इसका सबसे मेजर सपोर्ट बनेगा। तो पहला सपोर्ट क्या है, पहला सपोर्ट को तोड़ेगा तब तो आपको ये इस नीचे के प्राइस पर मिलेगा, और यहाँ से भी आप सोचिए कि ये शेयर तभी नीचे आ सकता है जब मार्केट में करेक्शन होता रहे, मार्केट में जो आप करेक्शन देख रहे हैं ये होता रहे अगर कंटिन्यू कुछ दिनों तक, तो आपको ये शेयर नीचे के प्राइस पर आता हुआ देखने मिलेगा 2100, और करेक्शन ज़्यादा होता है तो 1800 तक आ सकता है, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई चेंज नहीं है, कंपनी के प्रॉफिट में भी कोई खास गिरावट नहीं है, तो सारे फंडामेंटल्स जो है कंपनी काफ़ी मजबूत हैं, तो ये हो सकता है ये शेयर यहाँ से ही ऊपर की ओर ब्रेकआउट दे, अगर ये ब्रेकआउट देता है मतलब इस रेसिस्टेंस को ये ब्रेक करता है अपना ऑल टाइम हाई क्या है 2500, अगर 2500 के लेवल को ब्रेक करता है और ऊपर सस्टेन करता है
तो वहाँ से एक बहुत बड़ा रैली इसमें आपको देखने मिल सकता है। तो इस बात को याद रखिएगा। ऊपर ये 2500 को ब्रेकआउट देता है, मतलब उसके ऊपर निकलता है, तो फिर आपको एक बहुत बड़ी तेज़ी इसमें देखने मिल सकती है। तो ये था लेवल्स और टारगेट। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। जब आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। इसी तरह के मल्टी बैगर शेयर जो कि फ्यूचर में बनने वाले हैं वो आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।